ये जो घोरियां होती हैं ना, हमारे लड़कों को फंसाती हैं, शादी कर लेती हैं और फिर कुछ साल बाद जब उनका दिल भर जाता है ना, उनको तलाक दे देती हैं और बीच में बच्चा बच्चा भी पैदा कर लेती हैं। पता नहीं, शायद इसकी औलाद भी हो लड़के की, आपको क्या पता भाई। ये रिस्क ना लें आप। खैर छोड़ें, अल्लाह ना करे ऐसी वैसी कोई बात हो, मैं तो बस वहम कर रही हूँ। अब मैं नहीं चाहती ना कि नेहा के साथ कोई बुरा हो, इतनी प्यारी बच्ची है। दरअसल सच पूछें तो मैं अपने बेटे आसिम का रिश्ता लेके आई थी आपकी नेहा के लिए। मुझे आपकी बच्ची बड़ी प्यारी लगी। आपने कहा था ना अपने बेटे के लिए, तो क्या आप मेरे बेटे के लिए हाँ कर रही हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपकी शफकत में चली जाए। मेरी एक दोस्त है, क्लास फेलो रिदा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन फैमिली कैसी है और लड़की कैसी? हमें फैमिली उसकी बहुत अच्छी है और लड़की भी बहुत अच्छी है। जनाब, हम कल आपका रिश्ता लेकर कहीं जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? पूछेंगे नहीं कौन है, कैसी है? नहीं, मम्मी ने फैसला किया है ना, ठीक होगा।